गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि बढ़िया आगे। तो भाई देखो, अभी हो रहा है सुबह के 9 और मैं हमेशा की तरह बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। और अभी मैं अपने छत पे आया था भाई, और पीछे का व्यू देखो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सारे खेतों का व्यू देख रहे हो ना आप, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आज की वीडियो में भाई आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया क्या कुछ हम लोग दिखाने वाले हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं भाई आज काशी विश्वनाथ टेम्पल। और काशी विश्वनाथ टेम्पल में भाई आज से मैं 6 साल पहले गया था, दी की शादी के बाद, और बनने के बाद भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। हालांकि रिसेंटली अभी क्या है ना कि जो गंगा माँ से आप डायरेक्टली जाते काशी विश्वनाथ टेम्पल में एंट्री करते, वो गेट भी बन गया है। तो आज हम लोग उधर ही से चलने वाले हैं भाई, और पहली बार मैं भी जा रहा हूँ भाई। दशाश्वमेध घाट से होते हुए हम लोग जाएंगे, और इस वीडियो को मैं अब डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करूँगा भाई। बीच का रास्ता वास्ता नहीं दिखाऊंगा, एक ही चीज़ देख देख के आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलते हैं भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ भाई कि मेरे साथ जा रहा है प्रशांत, हालांकि उसका भी कंफर्म नहीं है, नहीं जाएगा वो, तो भी अपन चलेंगे भाई आपके साथ, घूमेंगे, आपको दिखाएंगे क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं, कैसे अगर आप आ रहे हो तो कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के भाई, क्योंकि धूप हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर वीडियो बनाने में। और गर्मी आ रही है भाई ना, तो धूप अब ज़्यादा तेज़ी से लगने लग रहा है। अब देख रहे हो ना, स्वेटर वगैरह अब कुछ कोई डाल नहीं रहा है। तो चलते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप पीछे का एक बार व्यू देख लो, ये सारे देख रहे हो ना आम के पेड़ मैंने लगाए हुए हैं सब, और यहाँ पे लहसुन वगैरह लगाया। हालांकि इसका मैं पूरा टूर दूंगा आपको एक बार, ये दूर तक खेत दिख रहा है और सामने है हाईवे, जो कि आपको कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिखेगा। तो चलते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप यहाँ से एंट्री करोगे जल लेके, फिर ऐसे आओगे, एक मंदिर परिसर है, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना सामान सारा कुछ जमा करोगे, पर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप जमा कर दोगे, फिर यहाँ से आप एंट्री करोगे मेन मंदिर में जाने के लिए। ये देख रहे हो, यहाँ से आप एंट्री करोगे, ठीक है। इसके आगे आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, जैसे कि कैमरा वगैरह, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता। बट आप भीड़ देखो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। तो भाई ये है सामने श्री काशी विश्वनाथ जी, यहाँ से आप दर्शन करोगे। देखो ये मेन मंदिर है भाई, यहाँ पर आपको एंट्री करके जाना पड़ेगा और दर्शन करना पड़ेगा। हालाँकि अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं अलाउड है भाई, तो आप सभी पहले दर्शन कर लो भाई दूर से ही। अगर आना आप तो जरूर यहाँ पे एक बार आना। बनारस आ रहे तो भाई बनारस में मेन देखो काशी विश्वनाथ ही हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आना। और ये सामने देख रहे हो ना, ये अहिल्या बाई हैं, ये मंदिर के लिए काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने, यहाँ पे इनकी स्टैचू बनी है। और ये सामने आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा गोल्डन से बना हुआ है, जो ऊपर का मंदिर का भाग है। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, देखो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये भी हाल ही में बना है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था काशी विश्वनाथ टेम्पल, और अभी भी है ऐसा कुछ देखो बना। इसमें खाने पीने की व्यवस्था है, अंदर भी होटल्स वगैरह बने हैं। और यहाँ पे आप सामान जमा करते हो भाई, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, मंदिर में फ्री है बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ आपका जमा हो जाएगा। और ऐसा कुछ भी इधर भी है। और यहाँ पे देखो भाई, भारत माता का स्टैचू लगा हुआ है। और ये टेम्पल देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पीछे गंगा माँ है इसके। अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो भाई ऐसा कुछ था ये पूरा मंदिर, और अभी मंदिर परिसर से हम लोग बाहर चल रहे हैं, जहाँ से एंट्री होती है वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को आगे चल के। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, और मैं अकेले आया था भाई, प्रशांत मेरे साथ नहीं आया था। तो अभी चलता हूँ आगे, मैं दिखाता हूँ आगे का व्यू पूरा। अभी नीचे उतरता हूँ सीढ़ियों से, काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, सुबह का मैं खाना वाना कुछ खा के नहीं आया था। तो अभी आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको, और फिर बताता हूँ कि आगे आपको कैसे आना है। और यहाँ से देखो भाई एंट्री होती है, अभी मैं पूरा नीचे आ चुका हूँ, तो दिखा देता हूँ एक बार और मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये सामने गंगा माँ है, यहाँ से अगर आप आओगे तो जल लोगे, नहा करके फिर यहाँ से एंट्री करोगे। ऐसा कुछ अभी देखो इधर पूरा बन रहा है, आप पूरा इतनी सीढ़ियों को चढ़ के जाओगे भाई एकदम ऊपर। ये सब देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सारा दिन रात काम चल रहा है भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, लगभग 90 सीढ़ियाँ हैं भाई। यहाँ से देखो आप ऊपर जाओगे, ऊपर का जो अभी अब तक ने व्यू देखा वो पूरा था, ऐसा कुछ है अंदर का व्यू। तो चलते हैं बाहर यहाँ से। तो भाई ऐसा वो कुछ गेट है पीछे, जो कि बन चुका है अभी पूरी तरह से, सब लोग आने जाने लगे हैं यहाँ से। अभी काम हालांकि वही चल रहा है एक दो। तो ऐसा कुछ पूरा था विश्वनाथ टेम्पल का टूर। हालांकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है भाई, तो इस वजह से मैं कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकता। हालांकि दर्शन में आसानी से कर लिया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी बट जल्दी जल्दी सब लोग कर ले रहे थे दर्शन। तो अभी क्या करते ना कि अपन यहाँ से निकलते हैं भाई, सुबह का मैं कुछ भी खाया नहीं हूँ और मेरे को भूख भी लगा है, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है। तो अभी चलते हैं, आगे चलना भी है पैदल काफ़ी ज़्यादा दूर, तो अभी फटाक से फास्ट मोड में करते हैं वीडियो को और पहुँचते हैं सीधा अपने बाइक के पास। तो भाई अभी मैं घाट पे रुका था, एक्चुअली आ रहा था तो मैं टाइम लैप्स को रोक दिया, सोचा कुछ बता देता हूँ आपको। देखो पीछे कितने सारे लोग आए भाई नहाने के लिए, गर्मी का सीजन आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, और शिवरात्रि भी आने वाली है 1 तारीख को है। यहाँ पे देखो सब लोग बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और इस साइड था पूरा मतलब मेन गेट, जो जहाँ पे मैं अभी गया था, ये पीछे आप जो देख रहे हो ना पानी का टैंक टाइप का बना हुआ है, उसके पीछे था वो मेन मंदिर का गेट। तो अभी चलते हैं आगे।
तो गाइस फाइनली अभी अपन निकल चुके हैं मंदिर से। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई कि मैं वीडियो को ना बहुत अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाया। हुआ क्या ना, जो गिम्बल का कंट्रोलर होता है, जो बटन से हम लोग कंट्रोल करते हैं ना, वो मेरा ख़राब हो गया, ठीक है, वो टूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन का कैमरा पता नहीं क्यों मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा था, कुछ एरर बता रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, रुक जा रहा था। और अभी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो जो पहले की थी ना उसको डिलीट किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा भरा नहीं है यार वीडियो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। इसको घर चल के मैं देखूँगा क्या दिक्कत है, फ़ोन को खाली करूँगा थोड़ा। तो मैं भाई क्या है ना कि सुबह निकला 9 बजे बिना खाए पिए घर से निकला था, आया सीधा मंदिर पे। और पहले क्या किया ना कि मैंने सीधा दर्शन कर लिया भाई, देखा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि दर्शन कर लेता हूँ पहले, क्या पता भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो दर्शन किया मैं, उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया जो आप लोगों ने देखा, और उसके बाद मैं सीधा वहाँ से निकल गया भाई घर के लिए। बीच में बस एक जगह रुका था, थोड़ा लस्सी वगैरह पिया, मैं बहुत कुछ खाया नहीं, घर पे जाके खाना खाऊंगा सीधा। तो अभी मैं लगभग अपने घर के पास आ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अमन के यहाँ, थोड़ा काम है उसके यहाँ। तो अमन के यहाँ से आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, बाकी बातें करते हैं घर पे चल के। गुड इवनिंग भाई, तो अभी हो रहा है 6:00 PM। एक्चुअली क्या हुआ ना भाई कि जब मैं अमन के यहाँ गया उसके बाद फिर घर आया तो मैं सीधा सो गया। एक्चुअली थक चुका था बहुत ज़्यादा, पैर में भी दर्द था और सर भी हल्का हल्का पेन करने लगा था, और सोया तो भाई काफ़ी देर तक सोया रह गया। अभी 6:00 हो रहे हैं तो मैं सोचा कि थोड़ा फ्रेश होकर वीडियो को एंड कर देते हैं भाई। तो आज की वीडियो थी भाई काशी विश्वनाथ टेम्पल की, जिसमें मैंने दर्शन किया। हालांकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था तो मैं अंदर नहीं जा पाया कैमरा लेके। मैं क्या कोई भी नहीं लेके जा सकता अंदर कैमरा, बट जहाँ तक का व्यू दिया आपको वहाँ तक आप कैमरा लेके जा सकते हो, आसानी से दर्शन कर सकते हो। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और आप लोग भी एक बार जरूर आओ काशी विश्वनाथ टेम्पल घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा बना है भाई, बहुत अच्छा बना है मंदिर। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप सभी अपना ख्याल रखो।